ऐसे ही नो 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 हे गाइस गुड मॉर्निंग. तो अभी बज रहे हैं 9. मतलब हम लोगों ने कल वैसे क्या कहते हैं इसको पैकअप नहीं करा था हमारे व्लॉग का कि पैकअप बोलते हैं क्योंकि मुझे लगा था शायद हम लोग कंटिन्यू करेंगे पर ये व्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो हम इसको एंड यहीं पे करेंगे. तो अभी हो चुका है सुबह का कितना हो जाए सुबह का 9:15 बज चुका है. हम लोग उठ चुके हैं. हम लोग मीन्स कल रात को देख ही लिया होगा कि क्या हुआ. तो हम लोग उठ चुके हैं और अब हम चाय नाश्ता करेंगे और वापस सो जाएंगे जिससे किसी को पता नहीं चले कि हम जगे भी थे. हेलो आरती है ना. हेलो हेलो बोलो आप ही. हेलो बोलो. हेलो हेलो बोलो. हेलो गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग काजल जी. चक दे फटे. इतनी तेज क्यों बोल रही है? बाहर वाले भी आ जाएंगे. एक तो ठूस रही है ऊपर से चिल्ला लग रही है. और ये है हिना मैडम. गुड मॉर्निंग चाय पार्ट टाइम. ऑडिशन नहीं चल रहे आप थोड़ा आराम से बोल सकते हो. अरे तो बाहर वाले सुन लेंगे ना. तुम तो ऐसे बोले कि बाहर वाले सुन लेंगे. ये ऐसे बोले हर चीज में डराती है. तो हम बैठे ना आराम से बोल लेते ना. गाइस यहाँ पर लेमन टी नहीं मिल पा रही है इसलिए हम लोग इस टी से काम चला रहे हैं. गाइस इनको ये बताओ कि नींबू का भाव क्या हो रहा है तो शायद ये मांगना बंद कर देंगे क्योंकि इतना बजट में नहीं है अभी. दोबारा बोलना तो तुझे ना क्योंकि ये व्लॉग सब लोग देखने वाले हैं. तुझे पता है अगर प्रोडक्शन वालों के पास में गया तो ये भी देखने वाले हैं. ये हम सबकी दिक्कत है. एक्चुअली गाइस मुझे ना सच में लेमन का कोई प्राइस नहीं पता बिकॉज मुझे परचेजिंग करनी नहीं आती वेजिटेबल्स की. मैंने सिर्फ घर पर लेमन रखे हुए. हमारे मुंह से गलती से निकल गया. तो उसकी माफ़ी आपको नहीं दी जा सकती है पर ठीक है कोई बात नहीं. प्रोडक्शन वालों इसको थोड़ा सा माफ़ कर देना. अगर किसी को नहीं बताओगे ना तो भी आप ऐड कर लो. बता दो सबको कि हमने ऐसी कोई बात नहीं किसी की बात कर देते हो. आज हम बहुत सारे लोगों से जिनसे नहीं मिले हो ना उनसे भी मिलना. गाइस आप समझ रहे हो ना मैं इन लोगों को बोल रही हूँ कि अभी शूट चल रहा है तो जितना हो सके ना उतना आराम कर लो. हाँ ये बाल खोल ले पहले फिर आएंगे. हाय बेबी. अरे वीडियो चल रहा है. ये थोड़ी कुछ ज्यादा ही अच्छी एक्टर है. हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल. तो आज है सेकंड डे. मैंने स्टार्टिंग नहीं करी थी तो आज शूट का सेकंड डे. देखते हैं आज शूट होता है कि नहीं होता है. आपको आवाज़ थोड़ी क्लियर आ रही हो. मैं आज आपको नए नए लोगों से मिलवाने जाऊंगी क्योंकि आज भी लगता है मेरा शूट तो नहीं होगा सिर्फ लुक टेस्ट ही होगा. मुझे लग रहा है कि कब होगा मेरा शूट और जब मेरा शूट होगा ना तभी मैं आपको शूटिंग के सीन्स दिखाऊंगी. तो मैं आज आपको मिलाऊंगी अपने हस्बैंड से मेरी माँ से और मेरी सिस्टर से. तो आप मिल ही लिए हो ठीक है. तो मैम आप फर्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है पहले आप कुछ ज्यादा सेक्सी और कोई हॉट लग रही तो आप दुपट्टा डाल लें. तो आप मेरी माँ बनने के लिए रेडी है? ऑफ कोर्स क्योंकि मैं एक खुद हॉट माँ हूँ. तो हॉट लाइक हॉट बच्ची मेरी हूँ. तो हैंडल कर लेंगे आप दो हॉट सेक्सी गर्ल. अपना हॉटनेस उसके बाद. हाँ अपना हॉटनेस. हाँ मेरी हॉटनेस से मैं मेरी बेटी की भी जो हार्टनेस है उसको अच्छे से स्पेल कर. तो गाइस आपने देख ही लिया होगा अभी आप मतलब जो एपिसोड में होगा वो मुझे नहीं पता कि कैसा क्या है इनका पर आपने सामने से तो देख ही लिया है कि ये मेरी माँ का रोल प्ले कर रही है और वो कितनी टेंशन मत करो. गुस्सा मुझे आप पे आने वाला जो आप कांड करोगी ना मेरे साथ में. आप ये वाला कांड देख लेना ये कैसा कांड करने वाली है हमारे साथ में. हम बच्चियों के साथ ये मेरा व्लॉग चल रहा है ऐसे ही. नो 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 ये
जिस तरीका का कांड करने वाली है ना हमारे साथ में, तो अभी जितनी स्वीट है ना तब आपको नफरत हो जाएगी इनसे, मैंने पढ़ ली इसका। हाँ, वो तो है, आप जरूर देखना। हाँ, रिलीज डेट हमें नहीं पता, लेकिन मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। तो अभी हम मैम का पिक क्लिक करने आए हैं क्योंकि अभी सेट पे लगता है मैं फोटोग्राफर बनी हुई हूँ, और उसके बाद में मेरा लुक टेस्ट होगा आज फाइनली, कल तो नहीं हुआ था, तो आज मेरा लुक टेस्ट होगा, तो मैं रेडी हो जाऊँगी, उसके बाद आपको दिखाऊंगी, तब तक आप दूसरों को इंजॉय कर सकते हैं। देखिए, हाँ जी, हाँ जी, आप आ गए परणवी बापू जी शुक्रियो तारो रे कसु। तो आपने एक और टैलेंट देख लिया है मेरी मम्मी जी का, परिवर्तन कर लो। बताया कैसा लगा गाना करना चाहते हैं, कर लीजिए मेरे शॉर्ट्स की। ये मेरे हस्बैंड का रोल कर रहे हैं जसवंत, तो आप इनको शो में देखेंगे, ज़्यादा मैं इंट्रोडक्शन नहीं दे सकती इनका। तो आज हमारा सेकंड डे का इंट्रोडक्शन, ये आ चुकी है ड्रेस दीदी, सबकी ड्रेस देख रही है। तो आप यहीं से हो क्या, इनसे पूछ रही हूँ मैं, ये जो साफा बांध रहे हैं तभी उन्होंने जल्दी आपका, आपका सर आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम एसके महादेव है, मीडिया में मैं एसके महादेव से मिलूंगा, इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब सब पर मिलूंगा, और मैं आर्टिस्ट हूँ राजस्थान। ओके थैंक यू। तो आज आप नए नए आर्टिस्ट से मिलने वाले हैं, कल के आर्टिस्ट तो आपने देख ही होंगे, आज और भी आर्टिस्ट आपके साथ जुड़ेंगे, और उनके लुक्स कैसे तैयार हो रहे हैं, कैसे नखरे भी करते हैं। तो गाइस मैंने भी इन लोगों से रिक्वेस्ट कर ली कि प्लीज़ मुझे भी ड्रेस, तो मुझे ये ड्रेस पहननी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ये राजस्थानी ड्रेस टाइप में। वैसे मेरा भी लुक आएगा पर बहुत टाइम लग रहा है और मुझसे वेट नहीं हुआ। तो कैसा लग रहा है, अब मैं इसमें कुछ रील्स बनाऊँगी, रील्स के लिए आपको इंस्टाग्राम देखना पड़ेगा, और आप वहाँ रील करते हैं। तो मैं 2 दिन बाद अपने होटल से निकल रही हूँ, और मैं फाइनली फर्स्ट टाइम अपने सेट पे जा रही हूँ सिर्फ लुक टेस्ट के लिए। तो शूटिंग में शायद दिखा पाऊंगी, थोड़ा बहुत दिखा दूंगी, वरना मेरा शूट होगा तब तो दिखाई दूंगी। तो ये देखो शूटिंग चल रही है यहाँ पे, और सेटअप लगा हुआ है, और अभी ड्रोन शूट हो रहा है, तो पता नहीं किस चीज़ का ये लोग वेट कर रहे हैं। तो ये आर्टिस्ट तो यहाँ पे सीन्स की तैयारी हो रही है, बस तैयारी होती रहती है, पर शूट का भी पता नहीं चल रहा कि शूट कब होगा, और मैं यहाँ के सिर्फ बैठी हुई हूँ, मैं परेशान थी क्योंकि कब शूट करोगे, कर लो भाई कर लो मेरा। यहाँ पे डायरेक्टर सीन को समझाते हुए, ये पूरा सेटअप लग चुका है, और ये हमारे शूट का लोकेशन है आज का। तो ये कैमरा मैन कैमरा लेके रेडी है, और अंदर शूट होगा, वैसे तो मैं दिखा दूंगी, अगर अंदर मैं दिखा पाई तो मैंने डायरेक्टर सर मुझे इस शूट से बाहर निकाल देंगे और बोलेंगे सिर्फ ब्लॉग बना लो तुम। तो ये सीन था उनका फर्स्ट, यहाँ पे मेरी मम्मी जी मरी हुई हैं, और मेरी सिस्टर दौड़ के आने वाली है, कैमरा एक्शन। Thank you.
देख रहे हैं कैसे शूटिंग हो रही है और मेरी मम्मी जी कैसे मरी भी पड़ी है, और देखो जीप तो देखो उनकी कैसे जीप निकाल के खड़ी है। मैं आपको दिखाता हूँ, दो मिनट। चोर है, इसने मेरे पैसे ले लिए और मुझे पैसे दे भी नहीं रहा। पैसे दो मेरे। चिल्ड्रन अकाउंट ऑफ इंडिया। कहाँ? ये इनका जो बैंक है ना, कहाँ लिखा है? इनका नाम लिखा हुआ है, इनके बैंक का नाम चिल्ड्रन अकाउंट ऑफ इंडिया। इसमें तो गांधी जी बने हुए हैं, ऐसे ही देखते हैं कि पैसे कैसे होते हैं। ये चिल्ड्रन है ना, इसलिए इसी अकाउंट में बैंक। दीदी आप बताओ, इसी अकाउंट में इसका खाता खुला। हम पैसे ऐसे ही देखते हैं ना कि जैसे गांधी जी बने होते हैं, तो सही है। तो ये असली नोट है ना? असली नोट है। औरों को भी दिए ना मैंने पैसे? हाँ, लीजिए आप अपने पैसे। आप मैं आपको 2000 रुपये दूंगी। हेलो गाइज, नहीं 2000 रुपये दूंगी, आप मुझे ट्रांसफर करोगे? नहीं। क्यों? नहीं, फोन ही नहीं मेरे पास। तो लो मेरे 2000 रुपये रख लो और फिर। नहीं मुझे चाहिए। इन लोगों को ना पैसों की कीमत नहीं है अभी, है ना? अभी कोई और देगा तो ले लेंगे, अभी मैं दे रही हूँ तो उनको समझ नहीं आ रही है। बाकी लोगों ने तो ले ली है, मुझे ट्रांसफर कर दी। मम्मी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी सुनो ना, मम्मी जी सुनो ना, मैं कुछ बोल रही हूँ आपसे। अरे क्या बोल रही हूँ, इधर आके बैठो ना कुर्सी पे आके, वहाँ इतनी दूर क्यों बैठे हो? हाय, नहीं मुझे ना एक हेल्प चाहिए। जो मेरे 2000 रुपये ना वो आप रख लो और मुझे ना गूगल पे भी ट्रांसफ़र कर दो, मेरे पैसे ले लो आप। सच में? हाँ सच में ही बोल रही हूँ, तो आप मुझे ट्रांसफर कर दो। आप वीडियो कर रहे हो इसका? मैं तो क्योंकि मैं देख रही हूँ कि कौन हेल्प कर रहा है, तो सब पता था ना। अच्छा, हाँ कर दूँगी। तो ये लो और आप मुझे ट्रांसफर कर दो। सच्ची नोट है? हाँ भाई, सच्ची का क्या होता है, नकली क्या होता है, इसमें गांधी जी बने हुए। नकली गांधी जी है? ना ये तो मेरा फोन पकड़ने का स्टाइल है। अब एक बात पूछ रही हूँ मैं आपको कि ना मेरे को ना 2000 रुपये चाहिए, आप बैंक में ट्रांसफर करें ना, मैं आपको कैश दे दूँ। आवाज़ नहीं आ रही। तो कैसा लग रहा है शूट करके आपको? कितने सीन हो चुके हैं अब तक? दो सीन है, ये लोग होने वाले 4 बजे फ्री, और मैं अपना 2000 के नोट का प्रैंक चालू रखने वाली हूँ। देखते हैं कि कौन कौन पागल होता है। मुझे ना फोन में ट्रांसफर करो। कॉन्स्टेबल एट कॉन्स्टेबल हेयर कॉन्स्टेबल काल का ही ले लो। काल ही सोच लो कि आपको हेल्प करनी है कि नहीं। आप 2000 दोगे, मैं आपके 500 रुपए ट्रांसफर करूँ। यार ये बोले सर अंकल को तो मैथ्स नहीं आ रही, मतलब 500 रुपए आप रख लेना, 1500 रुपीज मुझे दे देना, 2000 दूंगी मैं आपको। ठीक है 2000 फोन निकालो ना अपना। हाँ? ये तो क्या है? अरे ये तो 2000 का नोट है ना, ये तो देख तो लो जो मैं असली है, असली इसको जैसे रोल क्यों बनाया? सिंगल स्टार दो और राजस्थान पुलिस लगाओ, अभी जिसका स्टार निकाल दिए ना वही सर का नोट लगा दो, समझ गए ना? राजस्थान पुलिस 20000 का सेंट्रल गवर्नमेंट ने चालू किया है अभी नया नोट। नया है ये, इनको समझाइए ना। गांधी जी है ना, ऐसे नोट है ना मेरे पास, पूरा एक बैग कार में पड़ा हुआ, सूटकेस भरा हुआ। तो मुझे नहीं चाहिए, आप रखो उसको, मेरे पास भी पड़ा है। खुले खुले चेंज भी मिल जाएंगे 500-500। 20 का रख लो आप, 15 आप रख लो, ये सब रख लो आप, 20000 रख लो, 15000 बच्चों को दे दो। ये ऐसा ही कर रहे हैं, इनको सच में ऐसा लग रहा है नकली है, गांधी जी बना हुआ है।
गांधी जी बने हुए हैं, गांधी जी बने हुए हैं अपने, असली गांधी जी हैं वो। ऐनक भी लग रहा है हाँ, उनका ऐनक भी लग रहा है, 2000 भी लिखा हुआ, फिर क्या दिक्कत है। अरे नहीं लग रहा, अपने अपन एंचर आंडिया या बुर्जी की गाड़ी पे चला जाएंगे आपका। क्या आप मेरी हेल्प करोगे? मैं तो बैठा हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। 2000 का छुट्टा दिलाने में हमें बड़ी कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा, किसी के पास कैश नहीं है एक्चुअली, आप और ऑनलाइन कोई ट्रांसफर कर नहीं पा रहा क्योंकि पासवर्ड सब भूल गए हैं, सब अपने पासवर्ड भूल गए हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। करीब हो रहे हैं सब लोग बिना बात के, मतलब मैंने बोल दिया है कि 2000 का मैं 1500 ही लूँगी। एक्चुअली जो ये सब जो शूटिंग चल रही है ना यहाँ पे, हनी ट्रैप का मेन मामला है तो सब उसकी वजह से का मतलब अगर आपको समझ में आ जाए ना तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं बाद में आपको बता दूंगा। तो इस वजह से भी ये भी रीजन हो सकता है और कैश भी लेकर चले, पर सर ने दे दीजिए, अब मैं बताऊंगी मैं तो चलो।